हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों वालेकुम सलाम। लाइबा, आवाज आ रही है आपको? गुड मॉर्निंग वर्दा, कैसी हो? मैं मैसेज करो कि ऑनलाइन हो सब लोग जल्दी से। चलो ठीक है। हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ। ठीक है। अच्छा, लाइबा वर्दा ग्रुप में मैसेज करो, सब लोग जल्दी से ऑनलाइन हो। ठीक है, 2 मिनट के अंदर अंदर। और मुझे बताओ फिर, मैं वेट कर रही हूँ।
हाँ जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? हाँ जी, सबा, बुशरा, नुजरत, यासमीन, सिमरा, रोलिका, फातमा, नेहा, सिदरा, सबको मेरी तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। कैसी हो सुनाना? गुड मॉर्निंग। अच्छा, ये हम ऑलरेडी देख रहे थे, ये वाला लेक्चर उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, पेपरों का क्या सीन है? आप लोगों का कोई वो हुई है? हाँ जी, अच्छी गुजर गई छुट्टियां। छुट्टियां तुम लोगों की थी, हमारी कहाँ थी? हमारी तो ड्यूटीज थी।
जी हाँ जी, मुबशरा मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? ड्यूटीज हमारी तो यहाँ कॉलेज में, हम तो आ रहे थे ना, हमने कुछ भी नहीं किया। हमें काम बहुत ज्यादा मिला हुआ था। जब आप लोग नहीं होते तो हम फिर वो काम करते हैं जो हमारे पेंडिंग रह जाते हैं, जैसे कि फाइल्स का वर्कअप है, लेक्चर्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोटी छोटी होती हैं जो फिर हमने करनी होती हैं, जैसे कि सरप्राइज विजिट है PNC का, हम उसकी उसके लिए प्रेपरेशंस कर रहे थे। तो बस हम इन कामों में फिर लगे रहते हैं। हमारे और बहुत सारे काम होते हैं ना टीचिंग के अलावा भी। हाँ, मैंने फातिमा, मैंने चेंज किया लेक्चर। स्लाइड शो हो रही थी, मैंने खुद ही हटाई है। एग्जाम्स का पता है कुछ कब आ रहे हैं? कब एग्जाम्स हो रहे हैं? अभी आप लोगों के हो रहे हैं या कैंसिल हो गए हैं? क्या चक्कर है? कैसे हो सुलेमान? अच्छा, ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, आज का जो हम लेक्चर करने जा रहे हैं वो है हमारा नर्सिंग स्टेटस के बारे में है और इमेज के बारे में है, ठीक है? तो इसमें क्या हम देखेंगे, स्टेटस और इमेज की डेफिनेशंस और ये वो, हम काफ़ी सारी चीज़ों पे डिटेल में जाएंगे। लेकिन जो मेरी कोशिश है वो ये है कि हम इसको सिर्फ हम थ्योरी पे ना रहें, हम इसका इसको अच्छे से हम चीज़ों को लर्न करें, स्टडी करें, क्योंकि अगर आपके इन केस एग्जाम्स होते हैं तो आपकी अच्छी सी प्रेपरेशन हो जाए, अभी से ही स्टार्ट हो जाए, ठीक है? हाँ जी सुलेमान, मैं ठीक हूँ। हाँ जी फातिमा, सुनने में तो यही आ रहा है कि एग्जाम जो पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम हो जाएंगे, डिले नहीं किया जाएगा, और इस तरह से एंटरटेन नहीं किया जाएगा कि पास भी ऐसे कर दिया जाए। हमने मतलब आप लोगों के तो पहले भी हुए ही थे, अभी भी होंगे ही। अच्छा, स्टेटस क्या है आपका, क्या ख्याल है? स्टेटस क्या है? रिलेटिव सोशल और प्रोफेशनल पोजीशन, ठीक है, यानी कि स्टैंडिंग, रैंक, रैंकिंग, पोजीशन, सोशल पोजीशन और स्टेशन क्या है और लेवल क्या है, ये स्टेटस कहलाता है, ठीक है? यानी कि आपकी सोसाइटी में या प्रोफेशनल पोजीशन क्या है वो आपका स्टेटस कहलाता है। सोसाइटी कैसे इसके अंदर इन्वॉल्व होगी, सोसाइटी क्या रोल प्ले करेगी इसके अंदर? सोसाइटी किस तरीके से पार्टिसिपेट करेगी? जी, प्रोफेशन की तो समझ आती है, रिलेटिव सोशल कैसे? रिलेटिव सोशल कैसे इन्वॉल्वमेंट होगी? और प्रोफेशनल पोजीशन तो समझ आती है, ये आपका स्टेटस बनाती है, ठीक है? इसके अलावा आप स्टैंड कहाँ करते हो, आप किस रैंक पे आते हो, ठीक है?
माशरे में आपका क्या रैंक है, ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। रैंक मीन्स कितने कितने स्केल का है बंदा, या किस कैटेगरी में आता है, किस लेवल पे आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जी तो हाँ जी, नेहा कह रही है कि सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू देखना होता है कि वो पोजीशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके ठीक है। फातिमा कह रही है कि सोसाइटी ही तो अब ये तो ये बताती है कि बंदे की किस स्टेटस का है। ठीक है, सही कह रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको रिलेटिव सोशल उससे अगर काउंट करूँ, रिलेटिव सोशल और प्रोफेशनल पोजीशन से, यहाँ पे ये बात आ जाती है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे मेरे एक माइंड में ये भी चीज़ आ रही है। हम अगर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पे बात करें तो इस तरह भी होता है कि लोग किस तरह के एरिया में रहते हैं, किस तरह की आपकी लिविंग है, सोशल में ये आ जाता है, सोशल में सोशल गैदरिंग आ जाती है आपकी, आपका खाना पीना, आपका उठना बैठना, आपका पहनना ओढ़ना आ जाता है। अब यहाँ पे सोशल में ना सोशियोलॉजी भी आ जाती है, ठीक है, कि आप किस तरीके से लोगों के अंदर, आपका रहन सहन क्या है, आपका उठना बैठना क्या है लोगों के साथ, ठीक है, ये चीज़ भी आ जाती है। तो मेरा माइंड थोड़ा सा उस तरफ जा रहा है। अच्छा, ये चीज़ हो गई इम्पोर्टेंट, और इसके अलावा प्रोफेशनल में आ जाती है कि आपकी जॉब क्या है, आप कहाँ पे जॉब करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंटली। फिर आपको मैं एक बात बताऊँ कि आप जो दुनियादारी है, अगर आप उसको देखो, अगर आप उस पर ध्यान दो, रूरल अर्बन में बहुत डिफरेंट डिफरेंस होता है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ बच्चा। अब आपको मैं एक बात बताऊँ, अगर हम, आप लोगों ने सोशोलॉजी पढ़ी है, साइकोलॉजी के साथ सोशोलॉजी भी था एक सब्जेक्ट हमने पढ़ी हुई है, कि हमारी, हमें दुनियादारी में क्या कहा, हम लोग किस तरह से बंदे का को ऑब्जर्व करते हैं, हम उसके कपड़ों से ऑब्जर्व करते हैं कि ये किस कैटेगरी का या किस लेवल का बंदा है। ठीक है, हमारी हमारी जो सोसाइटी है ना, हमारी जो दुनिया है, उसमें ये चीज़ ही है कि लोगों के कपड़ों से अंदाज़ा लगाते हैं कि ये किस लेवल का बंदा है, ये नहीं देखते कि वो कितना एजुकेटेड है, हम उसकी एजुकेशन का अंदाज़ा उसके कपड़ों से लगाते हैं। ठीक है, हम जैसे कोई त्यार श्यार होके आया हो, बस उसने एक एक बंदा आया, ठीक है, किसी पिंड का, ठीक है, अच्छा गांव का एक बंदा आया, लेकिन उसने कलफ वाला सूट पहना है, चमकते हुए शूज पहने हुए हैं, पॉलिश किए हुए, और बड़ी सारी गाड़ी से उतरा है, लेकिन जब आके वो बोला है तो वो इतनी गंदी जंगली जुबान बोला है, और गंदा सा आदमी है, अनपढ़ सा है, सबसे लड़ रहा, ऊंची ऊंची बोल रहा, बदतमीजियां कर रहा, तो क्या वो सोसाइटी के अंदर उसका स्टेटस है कोई? हम उसके कपड़ों से अंदाजा लगाएंगे ये अमीर कबीर पढ़ा लिखा बंदा है, लेकिन जब वो बोला तो पता लगा कि कोई अमीर नहीं है और कोई पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ जाहिल बंदा, ठीक है। लेकिन उसके मुकाबले में उसी गांव का कोई ऐसा बच्चा या बंदा आ गया जिसने मुनासिब से कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन वो PhD कर रहा है, या वो MPhil कर रहा है, या वो BA BCom कर रहा है, तो उसकी निस्बत जो अनपढ़ है, उसकी निस्बत तो BA BCom का बंदा तो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हुआ,
ठीक है। तो इस तरह प्रोफेशनली पोजीशन और सोसाइटी इस तरह से मैटर करती है। अब प्रोफेशनल पोजीशन में आपको मार्क डिफरेंस आपको पता है कि जो हमारे लेवल पे जो लोग काम करते हैं, जो टीचिंग कर रहे हैं या जो बेड साइड पे कर रहे हैं काम, उनका स्टेटस और है, और जो लोग वहाँ पे जो आपा है आया है क्लीनर या उनका स्टेटस और है। प्रोफेशनल पोजीशन ये आ जाती है, आपकी आपका स्टैंड क्या है दुनिया में, ये चीज़ आ जाती है इम्पोर्टेंट। और इसके अलावा रैंकिंग में और क्या चीज़ आती है, ठीक है। और इसी तरह रैंकिंग है, रैंक क्या आता है कि आपका स्केल क्या है, ठीक है। और पोजीशन है, पोजीशन क्या है आपकी अपनी सोसाइटी में, लोगों में, दुनिया में आपका स्टेटस क्या है, आपकी बात को वर्थ दी जाती है या नहीं, वैल्यू दी जाती है या नहीं, समझदारी है या नहीं। सोशल पोजीशन भी इसी तरह, सोसाइटी में आपका क्या लेवल है, स्टेशन का क्या है कि आप स्टे कहाँ पे करते हो, किस जगह पे रहते हो, और आपने अपना लेवल किस तरह से मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। आपका उठना बैठना रहना सहना ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इमेज क्या है, हाँ बिल्कुल अपीयरेंस हो गई, अपीयरेंस आ गई, फातिमा ठीक कह रही है। इमेज क्या है, द जनरल, इसी तरह इमेज क्या है, द जनरल इम्प्रेशन दैट अ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्ट प्रेजेंट्स टू द पब्लिक। इमेज क्या होता है कि आपकी अपनी आपकी अपनी एक छवि होती है जो आप लोगों के ऊपर डालते हो, आप अपना इम्प्रेशन लोगों के ऊपर डालते हो, आप अपना जनरल इम्प्रेशन लोगों को क्या देते हो वो है। अब जैसे सपोज मैं जैसे मैं जनरल मैं इमेज आप लोगों का जो है ना वो कैसा इमेज पड़ेगा, एक डायलॉग बोलते हैं ना, पता नहीं ये मेरे बारे में कितना गंदा इमेज मेरा शो होगा इसके सामने मैं किस तरह से रिफ्लेक्ट करूंगी, किस तरह की नजर आऊंगी, इस तरह की बातें सोचते हैं ना। इसी तरह किसी का हम एक जनरल इम्प्रेशन जो है ना, किसी भी पर्सन का भी हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है, या किसी प्रोडक्ट का भी हो सकता है जो कि प्रेजेंट्स करता है, जिस तरह से प्रेजेंट होता है पब्लिक के सामने, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल बात कर लो कि जब कोई जैसे आप नई क्लास में गए हो या न्यू टीचर आपके पास आता है, तो आप लोग कोशिश करते हो कि आप उसके सामने अच्छा अपनी क्लास को प्रेजेंट करो। सीआर की भी कोशिश होती है मैं अपनी क्लास को अच्छा रिप्रेजेंट करूं। इसी तरह जो है वो बाकी आप लोगों की भी कोशिश होती है कि हम अच्छा अच्छा पढ़ें, टीचर के सामने हमारा अच्छा इम्प्रेशन रहे, अच्छे रिलेशन रहे, ठीक है। फिर इसी तरह ये सिंपल एक इमेज की एग्जांपल है जो कि मैंने आपको दिया, ठीक है। या जैसे ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम जैसे नई क्लासेस आती हैं, आप उनके पास जाते हो उनकी रैगिंग वगैरह के लिए, इस तरह के कोई इश्यूज होते हैं, या आप किसी बंदे को पहली दफ़ा मिलते हो तो आप ऑब्जर्व करते हो कि ये कैसे बोल रहा है, ये कैसे बैठा है, ये कैसे उठता है, ये कैसे पढ़ाता है, ये कैसे खाता है, ये सारी चीज़ें आप उसके लिए माइंड में बना लेते हो कि इसका इमेज मेरी नज़र में कैसा है। अगर उसी से लड़ाई हो जाए फर्स्ट डे में, वो बंदा बड़ा पोलाइट होगा, ठीक है। हम एक और जजमेंट देते हैं कि फर्स्ट डे है ना, अभी आहिस्ता आहिस्ता इसका पता लगेगा, अभी तो ये नया नया आया है ना, अभी तो ये अच्छा ही शो करेगा, इस तरह की भी हम डिस्कशंस करते हैं। फिर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता हम फिर उसे जज करना शुरू करते हैं, वो भी फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो रियल साइड है उसको बाहर निकालना शुरू करता है। तो इसी तरह फिर अगर उसी से लड़ाई हो जाए तो हम कहते हैं कि इसका तो इमेज ही मेरी नज़र में गिर गया, अब तो मुझे ये अच्छा ही नहीं लगता, ठीक है। तो बेसिकली हम जो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं दुनिया के सामने, पब्लिकली जो हम प्रेजेंट करते हैं, उससे पब्लिक परसेप्शन बनती है। आप अच्छी तरह से बात करते हैं, आप अच्छी तरह से खाते पीते हैं, आप अच्छा पहनते ओढ़ते हैं, आपको चार लोगों में उठना बैठना आता है, तो उसकी वजह से लोगों की परसेप्शन आपके बारे में बनती है, अच्छी भी बनती है बुरी भी बनती है, ठीक है। अब जैसे फातिमा कह रही है मैम जैसे कोई न्यू टीचर आता है तो हम उसकी
हम उसकी कौन सी, हम उसकी अपेरेंस से अंदाज़ा लगाते हैं कि इसे किस रैंक में रखना है, ये टीचर पोलाइट है या रूड है। अच्छा ठीक है फातिमा, ठीक है। आप लोगों की अपनी परसेप्शन है, पब्लिकली आप डिसाइड कर सकते हो, सोच सकते हो कि भाई आपने इसका कि हम इसके बारे में क्या सोचते हैं। फिर इसी तरह आ जाता है पब्लिक कंसेप्शन। अब एक आ जाता है परसेप्शन के लोगों ने देख के हमने, मैंने क्या, अच्छा जनरल लिखा, अच्छा मैंने मैंने अपने आप को प्रेजेंट किया आप लोगों के सामने, जिस तरह से आप लोगों ने उसको कैसे परसीव किया, ठीक है। परसेप्शन आपकी अपनी होती है, एक चीज़ है, जैसे कि आपने साइकोलॉजी में भी पढ़ा हुआ है, रस्सी पड़ी हुई है और आप लोगों ने उसका अंदाज़ा लगाना है। एक बंदा कहेगा ये तो मुझे सांप लग रहा है, एक कहेगा रस्सी है, एक ने कहना कुछ भी नहीं बेजान चीज़ पड़ी है। सबकी अलग अलग परसेप्शन है ना एक चीज़ के बारे में, तो परसेप्शन हर एक की अपनी है। पब्लिक कंसेप्शन है कि पब्लिकली लोगों का कंसेप्ट, हम अपने बारे में किसी के मुंह में अल्फाज क्या डालते हैं। इमेज बेसिकली ये है कि आप किसी को अपने बारे में क्या सोचने का मौका देते हो, आप अपने आप को कैसा रिप्रेजेंट करते हो, खोल के रखते हो या आप अपने आप को बंद रखते हो। आप हर किसी को खुली किताब की तरह अपने आप को डिस्कस करने नहीं देते, आप लोगों के कंसेप्ट उल्टे सीधे बनने नहीं देते, ठीक है। अब नेहा कह रही है बार बार जी मैम जी मैम। अब नेहा जो है ना, नेहा है क्लोज पर्सनैलिटी, ठीक है। नेहा को सब नहीं जान सकते जितना मैं इसके बारे में जानती हूँ। अब नेहा का, नेहा की क्या रूटीन है कि ये लिमिटेड रहती है, ठीक है, ओपन नहीं है। अगर ओपन होगी तो मुबशरा के साथ होगी या अपने रूममेट्स के साथ होगी। तो इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं और कंसेप्ट हमारे डिफरेंट होते हैं। अच्छा पब्लिक इम्प्रेशन है, पब्लिक इम्प्रेशन क्या है, इमेज है जो हम लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे बात आ जाती है, कुछ ज़्यादा बोलने वाले हैं, कुछ कम बोलने वाले हैं, कुछ छुपे रुस्तम हैं, कुछ तेज तरार हैं, कुछ बोलते ज़्यादा है, अंदर से कुछ नहीं है, इस तरह का इम्प्रेशन बनता है। और कुछ लोग करते कुछ नहीं है लेकिन बोल इतना जाते हैं कि वो फिर लगते बुरे हैं। इसी तरह आपका अपना पर्सोना जो है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी जो है, फिर आपकी अपनी प्रोफाइल जो आप बनाते हो, प्रोफाइल में क्या आता है आपका, आपकी आपका टोटल अटायर आ जाता है इसमें। हाँ जी नेहा, मैं ठीक कह रही हूँ, मेरी थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन अच्छी है। अच्छा फिर आ जाती है प्रोफाइल, प्रोफाइल में आप अपनी प्रोफाइल किस तरह से लोगों के सामने शो करते हो, आप अपनी प्रोफाइल बनाते हो, आपने अपना इमेज अच्छा रखा, आपने अपना करेक्टर अच्छा रखा, आपने सोसाइटी में अपनी एक डिमांड और एक मार्केट बना के रखी, ठीक है। ये आपकी प्रोफाइल है, जो कि एक होती है सीवी जो आप देते हो प्रोफेशनली, एक प्रोफाइल वो होती है जो कि आप खुद बनाते हो, जिसके बारे में कहा जाता है फलानी क्लास का फलाना स्टूडेंट वो बहुत अच्छा है, ठीक है, ये आपकी प्रोफाइल बनती है। इसी तरह आप ही की क्लास के कुछ लोग हैं, उनका जिक्र कहीं भी होगा तो कहते हैं वो तो इंतहाई बकवास और बदतमीज बच्चा, उसका तो नाम ही ना लो, ठीक है। इस तरह से होता है, ये बेसिकली आप अपनी प्रोफाइल अपने 4 से 5 सालों में बनाते हो। फेस है, ये भी आपका इमेज शो करता है। अब कुछ लोग बहुत सड़ियल से होते हैं, उनके बारे में कहा जाता है ये कॉन्स्टिपेटेड फेस है इनका, सड़े रहते हैं, कभी इनके फेस पे स्माइल नहीं देखी। कुछ लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत स्माइलिंग फेस है, हंसते रहते हैं, और उनकी अपनी एक आइडेंटिटी हो जाती है। अच्छा वो वाली बच्ची वो बड़ी बात मानती थी, अच्छा वो वाला स्टूडेंट उसने कभी रिफ्यूज नहीं किया, उसका तो फलाना काम बहुत अच्छा था, उसकी तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी, अच्छा उसको कभी भी काम कहो उसने रिफ्यूज नहीं किया, इस तरह से ये वाली चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब जैसे सैरिश है, सैरिश ने सोशल कामों में सब में हिस्सा लेना है, ठीक है, डेकोरेशन ये वो, सनैना ने, समर ने, ठीक है, इस तरह की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना। और वो है अपनी शायस्ता, नात वाले, नात जितनी भी होंगी पढ़नी होंगी या आयात पढ़नी होंगी उसमें शायस्ता पढ़ती है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों की अपनी एक प्रोफाइल और एक आइडेंटिटी बनी हुई है। अब ये क्या है, ये आपकी पॉजिटिव साइड्स हैं, ये आपने हमें दिखाई हुई हैं, आपकी पॉजिटिव साइड्स हैं, ये आपने हमें दिखाई हैं, तो उससे आपकी आइडेंटिटी बन गई और हम उसे यूज़ करते हैं और हम उसे याद रखेंगे, इस तरह से होता है। अब नर्स क्या है और नर्सिंग क्या है, नर्स क्या है, अ पर्सन ट्रेंड, एक ऐसा बंदा जो कि ट्रेंड है टू केयर फॉर द सिक और इनफर्म स्पेशली इन अ हॉस्पिटल, जो कि बीमार है बंदा कैपेबल नहीं है कि अपनी केयर खुद कर सके, स्पेशली वो जो हॉस्पिटल के अंदर है उनको केयर प्रोवाइड करना क्या है, नर्सिंग है, नर्स का काम है। और ये वो बंदा है जिसे स्पेशली ट्रेंड किया गया है इस काम के लिए, ठीक है। अब जैसे
नर्सिंग है, नर्सिंग क्या है? द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स इज टू असिस्ट द इंडिविजुअल, ठीक है। नर्सिंग क्या है? ये एक यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स है। नर्स एक अलग चीज़ है, नर्सिंग एक अलग चीज़ है। नर्स का काम है नर्सिंग करना, ठीक है। ये कंसेप्ट अपना क्लियर करना है आपने। ये क्या है? ये एक यूनिक फंक्शन ऑफ नर्सिंग है, इज टू असिस्ट द इंडिविजुअल, के उसने नर्सिंग में क्या करना है, किसी भी पर्सन को, पेशेंट को असिस्ट करना है। वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो सिक भी हो सकता है और वेल भी हो सकता है, ठीक है। नर्सिंग केयर हर चीज़ में आती है, ज़रूरी नहीं कि जो बिल्कुल डाइंग कंडीशन में है और आप उसको बेड बाथ दे रहे हो, मेडिसिन खिला रहे हो और उसको खाना शाना खिलाने की कोशिश कर रहे हो तो वो नर्सिंग है। नहीं, किसी भी इंडिविजुअल की हेल्प की जाती है वो भी नर्सिंग में आता है, और आप कोई सिक है या वेल है, हर कंडीशन में अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो वो नर्सिंग का पार्ट है। और ये यूनिक फंक्शन है। ये इसमें यूनिकनेस कैसे आती है कि आप जब उस काम को दिल से करते हो और अपनी ड्यूटी समझ के करते हो तो ये आपकी यूनिकनेस में आ जाता है। इस परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ और इट्स रिकवरी, ठीक है। क्या है इसमें, क्या आएगा? इन परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज, ठीक है, क्या आएगा कि इसमें परफॉर्मेंस आ जाती है उन एक्टिविटीज़ की जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं टू हेल्थ और इट्स रिकवरी, उसकी हेल्थ में और रिकवरी में हेल्प करती हैं, ठीक है। और पीसफुल डेथ और नर्सिंग का यूनिक काम जो है वो ये भी है कि नर्सिस हेल्प करती हैं पेशेंट के सिक बनने के लिए भी, वेल के लिए भी। इसके अलावा इन परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज़, और ऐसी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं टू हेल्थ, जो कि उसकी हेल्थ की तरफ लेके जाती हैं या रिकवरी की तरफ लेके जाती हैं। इसके अलावा पीसफुल डेथ में भी हेल्प करती हैं। जैसे कि कुछ लोगों की डिमांड होती है DNR करवा लेते हैं पेशेंट्स के रिलेटिव, जी हम अपने पेशेंट को सजा नहीं, हम तकलीफ नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं कि वो DNR हो जाए, ठीक है। DNR क्या है? डू नॉट रिससिटेट, यानी कि अगर पेशेंट डाइंग कंडीशन में, अगर उसका हार्ट जाएगा तो उसको वेंटिलेटर पे नहीं डालना, उसको हार्ट के लिए मेडिसिन नहीं देनी, अगर रेस्पिरेटरी अरेस्ट में जाएगा तो उसको CPR नहीं करना। डू नॉट BNV भी होता है, यानी कि डू नॉट वेंटिलेट, उसको वेंटिलेटर पे नहीं डालना। फिर DNE भी होता है, आई भी होता है, DNI, डू नॉट इंट्यूबेट, ठीक है, इंट्यूबेट भी नहीं करना। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट बने होते हैं। तो बेसिकली मकसद उनका ये होता है अटेंडेंट का, कि हमारा जो बंदा है उसको हम एंड टाइम पे मुश्किल में ना डालें, उसकी पीसफुल डेथ हो जाए, ठीक है। तो उसके अंदर नर्सिस हेल्प करती हैं। कैसे? कि अगर किसी का पता है ना कि इसकी डेथ हो जानी है और वो घर वाले कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए, तो हम उसको उसकी जो एंड ऑफ लाइफ केयर है ना, उसको लास्ट ऑफिसेज हैं या एंड ऑफ लाइफ केयर है, वो अच्छे से प्रोवाइड करते हैं कि उसके नेल्स वगैरह काटे, अच्छे तरीके से उसको रेडी किया, उसके बाल छाल अच्छे से बनाए, अच्छा सा उसको गाउन पजामा पहनाया, उसका बेड अच्छा रखा, ताकि जो उसकी डेथ है वो साफ़ सुथरे तरीके से हो, वो पुरसकून तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से यहाँ से जाए दुनिया से, ठीक है। हाँ, हमने रोकना नहीं है, हम वैसे भी नहीं रोक सकते, जिसकी लिखी हुई है वो आनी है, लेकिन हम एज अ नर्स या डॉक्टर हम ये करते हैं कि उनको मेडिकली ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, उनकी जो सफरिंग है उसे कम करने की कोशिश करते हैं। वो कैसे? कि अगर पेन है तो वो कम हो जाए, अगर किसी तरीके से रिकवर हो सकता है तो हो जाए। बेसिकली हम मेडिकल का काम तो यही है, लेकिन अगर जो लोग रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हम अपनी मर्जी से अपने पेशेंट के साथ कोई भी काम होने से रोक रहे हैं, तो फिर उनकी मेडिसिन भी स्टॉप कर दी जाती है, ठीक है। जैसे कि आइनोट्रॉप्स चल रहे होते हैं, उसकी वजह से उनको वो जा रही होती है, हार्ट रेट मैकेनिकल एक्टिविटीज़ आती रहती हैं, आइनोट्रॉपिक्स जा रही होती हैं, जिनका BP ड्रॉप हो रहा होता है, डोपा-डोप्यूटा लगाया होता है, नोरेड लगाया होता है, तो वो सब चीज़ें बंद करवा देते हैं, एक ड्रिप हल्की सी चलने देते हैं अगर वो भी चाहें तो, सारी मेडिसिन स्टॉप करवा देते हैं। और उनके पास कुछ लोग जो है ना वो कलाम पढ़ना पसंद करते हैं कि चलो इतने में जो है ना वो कलाम पढ़ते पढ़ते उसकी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उसमें जो जैसा ये होता है, बेसिकली हमारा यहाँ पे नर्सिस का रोल है कि पीसफुल डेथ में हमने हेल्प करनी है। वो कैसे? कि लास्ट टाइम है तो पेशेंट के बाल अच्छे से बना दो, उसे अच्छा सा रेडी कर दो कि जब भी उसकी डेथ हो तो वो नीट क्लीन रहे,
फिर उसके बाद है दैट ही और शी वुड परफॉर्म अनएडेड इफ ही और शी हैड द नेसेसरी स्ट्रेंथ विल और स्ट्रेंथ विल और नॉलेज। अच्छा क्या है कि यहाँ पे बात कर रहे हैं कि दैट शी और ही वुड परफॉर्म अनएडेड, और दूसरा उसको बगैर किसी हेल्प के करना है, ये नर्स को डिपेंड करता है कि वो बगैर किसी हेल्प के करती है या नहीं करती। इफ़ शी और ही हैड द नेसेसरी स्ट्रेंथ, अगर आपको अगर कोई वो है क्या अलाउ नहीं है फातिमा। अब जैसे नर्स जो है वो अनएडेड ये सारे काम कर सकती है अगर उसमें इतनी नेसेसरी स्ट्रेंथ या विल है या उसका नॉलेज है। यानी कि अगर आप एक स्टूडेंट नर्स हो और आप कहते हो कि मैं इसकी जो है ना वो पीसफुल डेथ में हेल्प करूंगी, तो मैं इसको अकेले नीट क्लीन कर लूंगी और ये वो, तो ये चीज़ सही नहीं है। अगर आप में इतनी स्ट्रेंथ है आप कर सकते तो ठीक है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट नर्स है तो उसको चीज़ों का नहीं पता कि कैसे मैनेज करना है, ठीक है, तो उसके लिए हेल्प चाहिए चाहिए होगी। अगर कोई सीनियर नर्स है और उसे लगता है कि मैं अकेले मैनेज कर सकती हूँ, मैं एक अटेंडेंट को लेके तो सारी चीज़ें थोड़ी सी हेल्प के साथ मैनेज कर लूँगी, तो ठीक है, तो उसको प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। नॉलेज होना इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा फातिमा पूछ रही है कि प्लान डेथ, इसे प्लान डेथ नहीं कहते, इसे ये कहते हैं कि जब डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं ना, जब डॉक्टर्स कहते हैं जी पेशेंट की कंडीशन बहुत ख़राब है, हम इसको वेंटिलेटर पे डाले बगैर ये ठीक नहीं हो सकता। आपको पता है कि जितने भी हाई ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं उनकी हाई रिस्क कंसेंट ली जाती है, उसके सारे प्रोज और कॉन्स बताए जाते हैं कि भाई अगर हम वेंटिलेटर पे डालेंगे तो उसका इतना खर्चा आएगा, अगर हम पेशेंट को सीपीआर करेंगे तो इतना खर्चा आएगा। तो आगे से अटेंडेंट पूछते हैं कि क्या जब आप सीपीआर करोगे या आप वेंटिलेट करोगे या रिससिटेट करोगे तो क्या उसके वापस आने के चांसेस हैं, तो डॉक्टर बताते हैं 20% हैं, 50% हैं, 100% हैं। एज भी मैटर करती है ना, कि अगर बिल्कुल यंग एज है तो डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं कि हम उसको सीपीआर जो है ना वो मैक्सिमम टाइम के लिए करें, हर मुमकिन कोशिश करें कि वापस आ ही जाए, ठीक है। अच्छा फिर क्या होता है कि अब अटेंडेंट पे डिपेंड करता है कि वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। इसे प्लान डेथ नहीं इसको कहते, इसको जो सिचुएशन ऐसी है कि पेशेंट बिल्कुल डाइंग है और डाइंग को एंड टाइम पे भी वेंटिलेटर पे डालें, तो वो ये कहते हैं कि भाई हम इसको इस एज में या इतनी तकलीफ में मजीद हम उसको तकलीफ नहीं देना चाहते। लोग ये कहते हैं कि हम वेंटिलेटर पे डाल के तकलीफ नहीं देना चाहते, खर्चा भी होगा और पेशेंट बचेगा भी नहीं, तो इस वजह से लोग रिफ्यूज़ कर देते हैं। और जिन लोगों का इसके बारे में कंसेप्ट अच्छा नहीं है वो ये कहते हैं कि हम इसको मरते मरते को मज़ीद तकलीफ़ नहीं देना चाहते, लोग ये कह के भी नहीं करवाते वेंटिलेटर पे नहीं डलवाते या रिससिटेट नहीं करवाते, ठीक है। एक दफ़ा ये हुआ हमारा मेरे अपने साथ हुआ हुआ ये वाकया मुल्तान की ये बात है कि बेसिकली होता ये है कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो चाहे कितनी मर्जी एमरजेंसी हो, किसी एक अटेंडेंट को ड्यूरिंग रिससिटेशन पास रखना चाहिए ताकि वो देख सके कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम अटेंडेंट को बाहर रखते हैं और कर्टन करके और सीपीआर शुरू कर देते हैं और अपने अपना काम शुरू कर देते हैं, तो अटेंडेंट बहुत सारे अटेंडेंट्स को ये लगता है जो बिल्कुल ही अननोन होते हैं वो ये समझते हैं इसने मरना नहीं था, डॉक्टरों ने मार दिया, हमें क्या पता पर्दे आगे करके मार दिया उन्होंने, लोग इस तरह का भी ब्लेम करते हैं। एक दफ़ा की बात है कि हम लोगों ने ना एकदम से सिचुएशन ऐसी हो गई और कर्टन आगे करके, क्योंकि साथ साथ बेड्स थे तो एमरजेंसी की बात है, तो सीपीआर शुरू कर दिया, तो अब एक डॉक्टर था वो काफ़ी हेल्दी था, वो बड़ा सारा दोष टाइप का बंदा था, उसने क्या किया उसने सीपीआर शुरू किया, वो सीपीआर कर रहा था तो वो बेड पे ऊपर आके ना घुटनों पे होके वो फिर कर रहा था, ये भी एक नॉर्मल पोजीशन है सीपीआर के लिए लोग करते हैं। तो वो कहता है अटेंडेंट कहती है पेशेंट की अटेंडेंट ने चीखें मारनी शुरू कर दी, कहती है तुम आप हमारे मरीज के ऊपर ना जोर लगा के उसको जान के मार रहे हो हालांकि वो जिंदा, ठीक है। तो वो फिर उसने काफ़ी ज़्यादा शोर डालना शुरू कर दिया, कहती है ये हमारे मेरे मरीज को मार देंगे, उसने ये सब कहना शुरू कर दिया, फिर उसको बताया एक्सप्लेन किया उसको पास खड़ा किया कि भाई ये चीज़ करना ज़रूरी होती है, फिर जाके दिल वापस आता, आपने फिल्मों वगैरह में नहीं देखा, इस तरह से एक्सप्लेन किया, तो ये सारी सिचुएशन होती है, ठीक है। तो बाकी प्लान डेथ वो जो आप कह रहे हो ना फातिमा वो है उसमें आता मर्सी किलिंग में, एथनीजिया जो है जिसे यूथनीजिया भी कुछ लोग कहते हैं वो मर्सी किलिंग में आता है। वो मैं अपने लिए खुद कंसेंट देती हूँ कि मैं मरना चाहती हूँ, मैं गवर्नमेंट से लीगली मैं परमिशन लेती हूँ और फिर मैं कहती हूँ कि मैं पीसफुली मरना चाहती हूँ, जैसे गुजारिश मूवी में था
वो और चीज़ होती है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग इमेज क्या है। नर्सिंग इमेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नर्सिंग प्रोफेशन। ठीक है, इट इज़ द वे द प्रोफेशन अपेयर्स टू अदर्स इंक्लूडिंग द जनरल पब्लिक। ठीक है, अब आप बताएं इस लाइन पे के नर्सिंग का इमेज क्या है जनरल पब्लिक में। नर्सिंग का इमेज अकॉर्डिंग टू हमारा जो टॉपिक है या हमारी जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है नर्सिंग का इमेज। ठीक है, लेकिन इट इज़ द वे द प्रोफेशन अपेयर्स टू अदर्स, लेकिन डिपेंड करता है कि आप प्रोफेशन को लोगों के सामने कैसा शो कराते हो, कैसा अपेयर हो के लोगों के सामने आता है इंक्लूडिंग टू जनरल पब्लिक। ठीक है, अब ये वाला जो साल था ना 2020, इसने नर्सिंग को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी है, वेटेज दी है। ठीक है, कैसे, टोटल टोटल मेडिकल को दी है, क्योंकि जितना ज़्यादा इस वक्त जो नेकी कर सकते थे, नेकी ज़्यादा ज़्यादा नेकी करने का अगर खुदा की तरफ से चांस मिला है तो वो नर्सिस को मिला, मेडिकल को मिला। ये साल सारा मेडिकल के लिए था। कैसे कि आप लोगों ने वो अच्छे काम करने थे, वो लोगों की हेल्प करनी थी, ज़रूरतमंदों की हेल्प करनी थी, दिल से काम करते, दिल से मेहनत करते, ये साल इसके लिए था, मेडिकल वालों के लिए और नर्सिंग के लिए। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है कि किन किन सिटीज़ में, किन कंट्रीज़ में नर्सिस को रिस्पेक्ट देगी और किन में नहीं देगी। ठीक है, अब जैसे मुझे याद है कि म्यू हॉस्पिटल में उसी तरीके से वो फौजी परेड वगैरह हुई और सल्यूट वगैरह किए गए और बहुत रिस्पेक्ट दी गई, जिस तरह काफ़ी सारे जब ये कोरोना आया काफ़ी सारी जगहों पर दी गई, तो म्यू हॉस्पिटल और गंगाराम में भी ये काम किया गया कि नर्स को बाहर बुला के उनको उनके सामने परेड करवाई गई, सब ने उनको सलूट किया, उनको सलाम किया और ये वो इस तरह का सीन हुआ कि फुल उनको ट्रिब्यूट दिया गया। इसी तरह जब वहाँ पे कोरोना ख़त्म हुआ था तो नर्सिस, डॉक्टर्स, मेडिकल के जितने बंदे थे उन सब की तस्वीरें लगा के एक कम्प्लीट नर्स का या डॉक्टर का एक इमेज बनाया गया, एक तस्वीर बनाई गई जो कि लगाई गई। ठीक है, जगह जगह मॉल्स पे और यहाँ वहाँ ग्लासेस पे हर जगह पे थे। तो ये क्या है कि बेसिकली हमारा जो ये काम है, हमारी जो मेहनत है और हमारा जो दिल से काम करना है वो रिस्पेक्ट दिलवाता है। तो इस साल ने इस तरीके से नर्सिस को रिस्पेक्ट दिलवाई है। फिर उसके बाद है द इमेज ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशन इम्पैक्ट्स टू द रिक्रूटमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। जो नर्सिंग का प्रोफेशनल इमेज है ना, उस वो इम्पैक्ट करता है स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने में। कैसे, जब प्रोफेशन की रिस्पेक्ट होगी तो ही हमारे जूनियर्स आएंगे और ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अगर लोग अच्छा समझते होंगे तो ही लोग आएंगे उस प्रोफेशन में, अगर अच्छा नहीं समझते होंगे तो रिक्रूटमेंट स्टूडेंट्स की नहीं होगी। ठीक है, द व्यू ऑफ द पब्लिक, लोगों का पब्लिक का व्यू क्या है नर्सिंग के बारे में। फंडिंग फॉर नर्सिंग एजुकेशन क्या है, इस पर रिसर्चेस कितने हुए हैं, लोगों के साथ रिलेशनशिप्स कैसे हैं, रिलेशनशिप्स विद हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर्स कैसे हैं, अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में कैसे हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज में कैसे हैं, और अल्टीमेटली द प्रोफेशन सेल्फ आइडेंटिटी क्या है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं और ये सब चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं नर्सिंग के इमेज को। ठीक है, जैसे कि फंडिंग ऑफ द नर्सिंग एजुकेशन बड़ी मैटर करती है। अब जैसे आजकल जो जो करंट हमारा जो इशू चल रहा है, जो हमारा करंट इशू चल रहा है वो क्या है कि नर्सिंग जो है उसमें कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी अट्रैक्शन आजकल कहाँ पे ज़्यादा होती है कि हम किसी ऐसी जगह पे ट्रेनिंग करें जहाँ पे हमें स्टाइपेंड मिले, हम किसी गवर्नमेंट जगह पे ट्रेनिंग करें और हमें स्टाइपेंड मिले। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो गवर्नमेंट में जाने की कोशिश करते हैं और फिर जो बच जाते हैं जिनका कहीं नहीं होता तो वो फिर प्राइवेट की तरफ रुख करते हैं, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते गवर्नमेंट में धक्के खाने की, यहाँ वहाँ लोगों को मिलने की कोशिश करने की, वो फिर क्या करते हैं, वो कहते हैं बेहतरी इसी में है कि हम आराम से ना उधर ही चले जाएं, हम प्राइवेट में ही चले जाएं, हम फीस दे लेंगे, कुछ नहीं होता, हमें गवर्नमेंट से बनना ही नहीं है नर्स। ठीक है, तो लोगों का जो आजकल अट्रैक्शन है वो स्टाइपेंड है ज़्यादा और ये है कि हम गवर्नमेंट से ट्रेनिंग करें। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाती है रिसर्चेज कितनी हो रही हैं आजकल। ठीक है, ये बड़े लेवल पे एजुकेशन की बात आ जाती है। फिर उसके बाद रिलेशनशिप्स कैसे हैं हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर्स जितने भी हैं
उनके साथ नर्सिंग के रिलेशंस कोई खास अच्छे नहीं होते, क्योंकि नर्सिस को हमेशा दबाया जाता है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे उनके उनके ऊपर कोई भी लेवल का बंदा हो, जैसे कि CEO लगा लो, DMD होती हैं, टीचर वो होते हैं, आपकी नर्सिंग डायरेक्टर होती है, जितने भी लोग हैं, उन्होंने क्या करना है कि नर्सिस को हमेशा दबा के रखा जाता है, कोशिश किया जाता है कि अपने अंडर ही रखा जाए, क्योंकि जो आपके सीनियर्स हैं वही नहीं आगे आने देते, ठीक है। इसके अलावा अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि अदर में कौन आ जाता है, वो जैसे सिंपल हम शालामार की बात करेंगे, अब ये तो ये बाकी लॉजिस्टिक सर्विसेज के जितने भी लोग हैं वो सारे इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, बाकी सारे लोग आ जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये कोशिश ही नहीं करते कि काम हो, ठीक है। और नर्स के साथ अच्छे रिलेशन इनके साथ डेवलप होना बड़ा मुश्किल है। गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ अच्छे रिलेशन हो जाते हैं या होने चाहिए नर्सिस के। अल्टीमेटली ये प्रोफेशन जो है इसकी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी है, और जो कि रिप्रेजेंट करती है टोटल नर्सिंग को। उसके बाद है इमेज इज डिफाइंड एज अ मेंटल पिक्चर रिप्रेजेंटिंग अ रियल ऑब्जेक्ट और अ मोर और लेस एक्यूरेट लाइकनेस ऑफ अ थिंग और पर्सन, ठीक है। इमेज जो है वो डिफाइन कैसे करेंगे, इमेज इज डिफाइंड एज अ मेंटल पिक्चर, ठीक है। इमेज जो है वो कैसे शो होगा कि एक मेंटल पिक्चर है जो कि रिप्रेजेंट करती है रियल ऑब्जेक्ट को, ठीक है, या मोर और लेस कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट लाइकनेस ऑफ अ थिंग और पर्सन बता देती है कि इसकी क्या है, लोगों का इसके बारे में कंसेप्ट क्या है, सोच क्या है, समझते क्या है इसके बारे में। यहाँ तक समझ आइए आपको। अब आप लोग बताएं कि इस वक्त ओवरऑल नर्सिंग का इमेज क्या है और हम इस इमेज को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। जी पार्टिसिपेट करें, हम किस तरह से इमेज को चेंज कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐड करो। हाँ जी फातिमा कह रही है नॉलेज नॉलेज बेस में ना आके
अपनी प्रैक्टिस को बेस्ट करके, ठीक है, इमेज को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मुबशरा कह रही है, सिद्रा कह रही है FSC लेवल पे स्कूल में जा जाके मेडिकल के बच्चों को BSN और डिप्लोमा की अवेयरनेस दी जाए। ओके गुड, ठीक है। फातिमा कह रही है कि मैम पहले नर्सिस का इमेज बहुत वर्स था, लेकिन अब न्यू लोग काफ़ी चेंज कर चुके हैं या कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल के कर चुके हैं और मेरा नहीं ख्याल के चेंज हुआ है। अच्छा, रैशनलाइज करके, मुबशरा कह रही है ठीक है, नॉलेज बेस बना के। ओके, सिद्रा कह रही है कि लड़कों की सीट्स ज़्यादा की जाएं, दे आर मोर सोशल एंड टू रिमूव द कंसेप्ट के सिर्फ लड़कियां नर्सिस और लड़के डॉक्टर होते हैं। ओके, फातिमा कह रही है कि सबसे पहले तो मैम अगर नर्सिंग स्टूडेंट्स को डे वन से ही प्रोफेशनल स्किल्स सिखाई जाएंगी तो, और प्रॉपर नॉलेज होगा उनके पास, तो वो कभी भी इमेज को डाउन नहीं होने देंगे। ओके, ठीक है। सिमरा कह रही है कि वी चेंज आर इमेज बाय इम्प्रूविंग आर नॉलेज स्किल्स प्रैक्टिसेस एंड एटीट्यूड। ओके, मुबशरा कह रही है सिद्रा का पॉइंट वैलिड है। ओके, एब्सोल्युटली राइट, हाँ ठीक है। हाँ जी सित्रा, आपने जितनी भी बातें रखी हैं सब बहुत अच्छी हैं, सब ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू सही रखे हैं। फातिमा भी बिल्कुल ठीक कह रही है, सब चीज़ें ठीक हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि मैंने ये पूछा कि इमेज के बारे में हमें अपना, हम कैसे इमेज को अच्छा कर सकते हैं और किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं इमेज को, ठीक है। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? अपना भी पॉइंट बताओ। नजफ और हुरिया और अरफा, आप लोग क्या कहते हो? किसी बाकी लोग सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं ये मैंने बताना है, आप लोग बताओ कि क्या है आपका कंसेप्ट इसके बारे में क्या है। और अगर आपको ये टास्क मिलता है कि नर्सिंग को आपने चेंज करना है तो आप क्या करोगे? सिद्रा ने बहुत अच्छी बात की है कि हमें लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए बेसिकली नर्सिंग क्या है, ठीक है। और बाकी लोग अपने प्रोफेशन को आप सबसे पहले खुद रिस्पेक्ट दोगे तो लोग रिस्पेक्ट देंगे। हम लोग अपने प्रोफेशन को खुद ही रिस्पेक्ट नहीं देते, हम नर्सिंग कर लेते हैं पैसे कमाने के लिए और जब कहीं एडमिशन नहीं मिलता नर्सिंग में एडमिशन ले लेते हैं। अब मैं आपको अपना कंसेप्ट बताती हूँ कहीं एडमिशन नहीं मिलता तो फिर नर्सिंग में एडमिशन ले लिया, यहाँ पे रह के पढ़ लिख गए और जब चार जमातें पढ़ लिया तो बाद में कहना शुरू कर दिया नर्सिंग जैसा गंदा प्रोफेशन कोई है ही नहीं है, ठीक है। और खुद कर ली नर्सिंग और बाकियों को कहना शुरू कर दिया कि नर्सिंग में कोई ना जाए, ठीक है। तो बेसिकली जो हम खुद ही गंद फैलाते हैं लोगों तक, हम ये बातें करते हैं कि नर्सिंग सही नहीं है, हम खुद कर लेते हैं। हमने अपने घर से चेंज लाना है, अगर हम चेंज करेंगे खुद को, अपनी सोच को, कंसेप्ट को, तो ही लोग आगे आएंगे ना, इंटरेस्ट लेंगे और फिर पढ़े लिखे लोग आएंगे। और अब आप ये देख लो, हर फर्स्ट ईयर जब आती है ना तब उनकी और बातें होती हैं, हम इसलिए आए हैं। बाद में वो एक साल के अंदर अंदर कहना शुरू कर दे ये तो प्रोफेशन ही बड़ा गंदा है, मैं तो किसी को नहीं आने दूंगा या आने दूंगी। लोग फिर इस तरह से गलत बातें फैलाना शुरू कर देते हैं। अब नेहा कह रही है कि स्टूडेंट्स अगर स्किलफुल और मोटिवेटेड होगा तो इमेज को मेंटेन रखेगा, ठीक है। हुरिया कह रही है मैम अगर वन बाय वन ट्राई करेंगे तो इमेज चेंज हो सकता है। ओके, और हुरिया कह रही है मुझे एक स्टाफ बता रही थी कि गांव में बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं है नर्सिस की, ठीक है। वरदा कह रही है पेशेंट्स के साथ एक्सीलेंट बिहेवियर रख के कॉन्फिडेंट रह के, और बिकॉज अभी भी बहुत सी नर्सिस हैं जिनका बिहेवियर पेशेंट के साथ अच्छा नहीं होता, इस वजह से नर्सिस का मजीद डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, इमेज खराब है इसलिए, ठीक है। वरदा आप सही कह रही हो। अच्छा अब जैसे फातिमा ने कहा है, मैं ये मानती हूँ, मेरा ये पर्सनल वो है ओपिनियन है, या मैं ये पर्सनली समझती हूँ कि जैसे कि ये जो डिग्री प्रोग्राम आया है ना, इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा इमेज के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कंसेप्ट चेंज होंगे, लेकिन ये कम्बिनेशन में काम होगा। अगर आप लोगों को डिग्री, जो लोग डिग्री प्रोग्राम्स में हैं उसके साथ डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है, अदरवाइज मुश्किल है, ठीक है। डिसिप्लिन की कैसे ज़रूरत है? डिसिप्लिन ये हो कि बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल रख के करवाया जाए तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी और स्मूथ हो सकती हैं। कंट्रोल इस सेंस में कि आपको जो है ड्यूटी पे फुल चेक एंड बैलेंस है,
काम पे चेक एंड बैलेंस है, ठीक है, काउंटर चेक हो रही हैं चीज़ें तो ही, क्योंकि हमारे हाथों में जिंदगियां हैं, हमने लोगों को देखना, ठीक है, हमने लोगों की जो है वो जिंदगी के लिए, जानो माल के लिए काम करना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत ध्यान से और कॉन्शियसली अपनी जॉब को परफॉर्म करें। उसके बाद आप ऑफिस के जैसे मर्जी रहो, बिहेवियर और एथिक्स पे बेसिकली काम होने की ज़रूरत है। सुलेमान कह रहा है कि यहाँ क्लर्क को थोड़ी सी अथॉरिटी मिल जाए तो फौरन तो फिरौन बन जाता है। अथॉरिटी फजूल में स्ट्रेस देती है एम्प्लॉय को, फिर नर्सिस फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं। काम होंगी तो अच्छे, अच्छा कुछ होगा, आगे कुछ होगा, ठीक है। हाँ जी सलमान, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। बहुत कुछ है सलमान आपकी बात से रिलेटेड, यू आर एब्सोल्युटली राइट। चलो अब अटेंडेंस आप लोग लगवा लो, लेक्चर खत्म हो गया, इस पे फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस आप लोगों को पता ही है, बेसिकली इसकी वजह ये भी है ना कि वो लोग फुली पे करते हैं, हर लिहाज से वो लोग पे करते हैं, हम लोग नहीं पे करते। सहरुनिसा कैसे आज प्रेजेंट हो गई? सहर तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम तो कभी नहीं नजर आई। हम लोग पे करके नहीं रहते ना, हम लोग पे करके नहीं रहते हैं, लेकिन वो लोग पे करते हैं। उनका उनका अगर मैस ऐसा, तो उनके हॉस्टल के चार्जेस भी 25,000 पर हेड है, और आप लोग हॉस्टल में फ्री रहते हो। सिमरा, उज्मा, मारिया, शीतल से कांटेक्ट करो, ये लोग क्लासेस नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वर्दा ठीक कह रही। चलो ओके, खुदा हाफिज़।